महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, इन तीन जगहों पर भी वोटिंग होनी है 10 तारीख को। हम पहले एक नज़र आपको दिखला देते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका है, जाहिर है नागपुर जहन में हर किसी के आएगा। नितिन गडकरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी, तो हर की नज़र है। संघ का हेडक्वार्टर यहीं पर है। विदर्भ के जो इलाके हैं 10 सीटों पर, उसमें बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक सटा हुआ है, नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। नागपुर तो बीच में ही आ गया, खड़ा हो गया। भंडारा, गढ़चिरौली, भंडारा को गोंदिया भी कहा जाता है इसलिए उसका जिक्र है, गढ़चिरौली चिमूर का इलाका है, और चंद्रपुर। ये जो आखिरी हिस्सा आपने देखा, ये सारे नक्सल प्रभावित हैं। अगर यवतमाल का जिक्र, यवतमाल भी आधा नक्सल प्रभावित इलाकों में से आता है। कौन वो लोग हैं जिनकी साख इस बार दांव पर है राजनीतिक तौर पर, जिनका कद्दावर चेहरा है? मुकुल वासनिक रामटेक से हैं, प्रफुल्ल पटेल भंडारा से लड़ रहे हैं चुनाव, और इसके बाद जाहिर है नितिन गडकरी का नाम आएगा जो कि नागपुर का है। लेकिन आइए जरा हमको लगता है एक लगातार में देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में ये कुछ और सीट है, विलास मुत्तेमवार, नितिन गडकरी और अंजनी दमनिया, ये तीनों नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले जरा कमलेश सुतार एक चीज़ बताइए, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी, स्थिति क्या है? और ख़ास तौर से अंजनी दमनिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया था, उनकी स्थिति क्या है? और विलास मुत्तेमवार लगातार जीतते रहे हैं, बीजेपी कभी जीती नहीं है नागपुर में। एक बार जीती थी लेकिन वो बनवारीलाल पुरोहित थे जो कांग्रेस की सीट छोड़कर आए थे, अयोध्या की हवा थी उस वक्त। स्थिति इस वक्त क्या है कमलेश? ओके, आपकी आवाज और चेहरा दोनों डगमगा रहा है, हम तुरंत लौटते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ जाएं, जरा उड़ीसा की स्थिति आपको दिखा देते हैं। उड़ीसा में भी इस बार वोट पड़ रहे हैं, जिस जगह पे 10 तारीख को, उसमें एक बाड़गढ़, सुंदरगढ़ भी है दूसरी सीट जहां पर चुनाव होने वाले हैं, संबलपुर, बोलंगीर, कालाहांडी, बड़े ही पिछड़ा इलाका, और कालाहांडी का जिक्र तो बार बार होता है। नवरंगपुर कालाहांडी जाना जाता है भुखमरी की वजह से भी, कंधमाल का इलाका, आसका वो सीट है जहाँ से नवीन पटनायक चुनाव लड़ते हैं, बरहमपुर, ये उड़ीसा की 10 सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग होने वाली है। और हमारे साथ मनोज्ञा जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, जो स्थिति है उसमें नवीन पटनायक खास तौर से, उनके यहाँ भी वोटिंग होनी है आसका में भी 10 तारीख को, क्या स्ट्रेटजी है या वहां पर कौन है उनको काउंटर करने के लिए, बीजेपी या कांग्रेस? जी, मैं ये अगर कहूँ कि पश्चिम बंगाल जो उनका पड़ोसी राज्य है उससे प्रभावित होकर वो अकेला चलो रे की नीति अपना रहे हैं तो ये गलत नहीं। जिस तकनीकी गड़बड़ यहां भी आई है। बहरहाल अब तीसरी स्थिति में केरल में आ जाते हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम खास तौर से, केरल की स्थिति हम लेकर आते हैं। केरल में जहां जहां वोट होनी है, चूंकि सभी सीटों पर होनी है, वहां पर 20 सीटों पर मतदान होना है। कासरगोड, कुन्नूर, वडकारा, ये सारे नाम आते चले जाते हैं, तब तक हम सवाल भी उछाल देते हैं, चूंकि 200 सीटों पर इस बार मतदान होना है। और तिरुवनंतपुरम में हमारे साथ हमारी संवाददाता रोहिणी चूंकि जुड़ी हुई है, रोहिणी पहला सवाल तो यही, चूंकि तिरुवनंतपुरम में हर की नज़र है, और ये नज़र इसलिए क्योंकि वहाँ पर राजगोपाल चुनाव लड़ ही रहे हैं, शशि थरूर हैं, क्या स्थिति है वहां पर? इस बार केरला में लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहेगा। अगर स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए वो है तिरुवनंतपुरम, क्योंकि एक तरफ यूडीएफ के जो कैंडिडेट है वो है शशि थरूर, तो दूसरी तरफ एलडीएफ के कैंडिडेट है बेनेट थॉमस। पर दिलचस्पी की बात यह है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और राजगोपाल, वो दोनों को बहुत सही सही टक्कर दे रहे हैं। अगर शशि थरूर की बात की जाए तो उनकी छवि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है तिरुवनंतपुरम में, केरला में, इसलिए क्योंकि ये माना जाता है लोगों के बीच में कि उनका ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है लोगों के साथ। और एक बात भी है कि लेफ्ट और बीजेपी ने अपने पूरे प्रचार में एक मुद्दा ये बनाया भी है कि सुनंदा पुष्कर की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी, वो सवाल वो उठाते रहे हैं, और इससे शशि थरूर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी का वेव ज़्यादा तो दिखता नहीं है केरला में, पर मोदी से लोग प्रभावित ज़रूर हुए हैं। मोदी ने जब पब्लिक मीटिंग किया था केरला में, उस वक्त लोगों जितने लोग आए थे मोदी को देखने और सुनने के लिए, उससे लोग मोदी से प्रभावित भी हुए थे, और इससे फ़ायदा भी हो सकता है और राजगोपाल का। दूसरी तरफ अगर एलडीएफ की बात की जाए तो एलडीएफ ने ये कहते हुए गए हैं कि यूडीएफ ने ज़्यादा काम नहीं किया है,
और उन्होंने शशि थरूर के एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि लोगों के साथ जिस जी चलिए हम लौटते हैं, आपने एक बढ़िया बात की जिस लिहाज से हमको लगता है जयनारायण जी से सवाल करेंगे। जयनारायण जी, केरल में भी पता नहीं मोदी इफेक्ट है या नहीं है, लेकिन मोदी को लेकर लोकप्रियता, वजह क्या है इसकी? देखिए, एक बात हमें प्रसून जी माननी होगी, जो मैं एक अंग्रेजी कहावत से व्यक्त करना चाहूंगा। ये कहावत कहती है कि ए गुड लीडर शुड बी ए डीलर इन होप। अब जिस तरह से पूरे देश की परिस्थिति आज यूपीए 2 के शासन के बाद बनी हुई है, हर तरह निराशा और महंगाई से लेकर इन्फ्लेशन तक का माहौल है, युवा वर्ग में कोई जॉब की अपेक्षा उनकी जो है उसके समान नौकरियां नहीं मिल रही है, तो हर तरह एक निराशा का माहौल है। उसमें अपने खुद के राज्य के एग्जाम्पल से मोदी जी एक आशा का किरण बनके उभरे हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि जहां भी ये बात गई है उसको काफी जबरदस्त तरीके से आवकारा गया है, और यही वजह है मैं मानता हूं कि ही इज सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग दैट मैसेज एंड कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी अ डीलर इन होप। वो खुद जो कहते हैं वो लाने में और इस देश को एक सुशासन की दिशा बख्शने में सफल होंगे। ये लहर आज पूरे देश में फैली हुई है, और उसमें केरला या तमिलनाडु या बंगाल या गुजरात कोई ये बहुत महत्वपूर्ण है जनरल जी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। हम अखिलेश जी एक चीज बताइए, हम आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पहचान देश भर में थी, इंद्रम्मा को तो लेकर क्या क्या साउथ में किस किस तरीके से हर किसी, क्या कांग्रेस सिमटी है और नरेंद्र मोदी का प्रभाव बीजेपी से भी बढ़ते बढ़ते हर कोई जानने लगा है, ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए? अखिलेश जी, पुण्य जी, राजनीति में ब्रांडिंग करके अपनी पहचान बना लेना या कोई जान जाए वो एक अलग होता है। ठीक है, 1200 करोड़ रुपए खर्च करके अगर आप प्रचार में अपना पहुंच बना लेते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट की जानकारी बना के भेज देती हैं, लेकिन बाद में वो प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा ये तो उस प्रोडक्ट को आजमाने के बाद या उसके करीब जाने के बाद पता लगता है। तो वही हाल मोदी जी का है, चर्चा में आ गए, लोग जान गए 1200-1500 करोड़ खर्च करने के बाद, लेकिन विश्वसनीयता जीरो है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। वो जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मीडिया के सामने मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त भी ये कह दे कि हमें बात नहीं करनी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चाहिए, तो कौन पहचान? ठीक है, चर्चा में जाना, जान जाना दे दिया, प्रोडक्ट का जिक्र कर दिया, तो क्या हमारे जहन में तुरंत मनमोहन सिंह आ गए थे कि ये कैसे प्रोडक्ट थे, किस रूप में थे, हम उस पे आएंगे। लेकिन गडकरी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सुतार क्या स्थिति है वहां पर? हाँ कमलेश सुतार जी बताइए, नागपुर में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी, क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं? मुकाबला तो तगड़ा हुआ गडकरी, नितिन गडकरी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। नागपुर में पहली बार चुनाव लड़कर विलास मुत्तेमवार जैसे एक उम्मीदवार के सामने खड़ा होना, विलास मुत्तेमवार 7 बार यहां से चुनकर आए हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, आरएसएस का हेडक्वार्टर होते हुए भी बीजेपी यहां से लड़ तो रही थी, बहुत बार मुकाबला तो दिया है लेकिन जीत नहीं पाई थी। जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि बनवारी लाल पुरोहित एक बार चुनकर आए थे लेकिन वो कांग्रेस आए थे और उस वक्त राम मंदिर की लहर थी, इस बार मोदी लहर है। लेकिन विस्पर्स में ही सही यहां पर सवाल तो उठाए जाते हैं कि भले ही नमो नमो का जाप हर जगह चल रहा है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आते नागपुर में, तो इसको लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी विदर्भ में आते हैं, अमरावती आते हैं, वर्धा आते हैं, लेकिन नागपुर में नरेंद्र मोदी की एक भी रैली नहीं होती। तो क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में जो एक हल्की सी दरार की जो बातें हमेशा आती उसको लेकर भी सवाल उठते हैं? दूसरी तरफ विलास मुत्तेमवार की बात है, पिछले बार बात करें 2009 में भी वहां से लड़े थे, उस वक्त बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट नागपुर से खड़ा किया था। बीएसपी यहां पर धीरे धीरे अपनी जमीन तराश रही है, पिछली बार काफी अच्छे वोट्स भी मिले थे, सिर्फ नागपुर में नहीं विदर्भ के छोटे छोटे इलाकों में भी। पिछले बार नागपुर से बीएसपी के प्रत्याशी ने 1 लाख के ऊपर वोट लिए थे, बावजूद इसके विलास मुत्तेमवार बड़ी मार्जिन से जीत कर आए थे। आपने एक बड़ा सवाल बीच में उठा दिया, हमें कमेंट खाली चाहेंगे रामकृपाल जी, नरेंद्र मोदी सब जगह घूम रहे हैं, नागपुर में रैली क्यों नहीं की उन्होंने? अब ये इसका तो मुझे कोई भाई, संघ का हेडक्वार्टर है, हाँ। नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष है पार्टी के, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेटजी के तहत नहीं ऐसा हुआ होगा, क्योंकि नागपुर हमेशा से माना जाता है, बीजेपी और संघ मानता है कि चाहे हम जीते हैं न जीते हैं,
लेकिन नागपुर हमारा अपना है, तो बाकी जगह पे घूम करके आए नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप देखिए जो भी बातचीत होती है सबसे कहा जाता है कि नागपुर से मैसेज आया होगा, तो कुल मिला के नागपुर सिंबॉलिक है, मुझे लगता है कि जाना चाहिए ना, देर सवेर जाएंगे। जनारायण जी, 0 माइल रहा है नागपुर अविभाजित भारत का, वहां तो जाना चाहिए मोदी जी को। जनारायण जी, 0 माइल रहा है नागपुर भारत का अविभाजित तौर पर, वहां भी वो खंबा लगा हुआ है, जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि नहीं? देखिए, कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए प्रसून जी, वो तो एक व्यूहरचना के तहत बात बनती है, सब जगह पे शायद नहीं भी जा पाए, तो उसका मतलब कोई ये बात उसमें से खड़ी करने का प्रयत्न करे कि ये इनमें कहीं दरार है, तो मैं नहीं मानता कि सही है। नितिन जी अपने आप में एक हमारे कद्दावर नेता है, नितिन जी खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनकी खुद की ये एक तरह से तराशी हुई भूमि है, तो मैं मानता हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी जरूर उनके उनके लिए जो भी करना होगा वो व्यूहरचना के तहत किया जाएगा। चलिए चर्चा यहां पर रोक रहे हैं जयनारायण जी, लेकिन ये भी बता दें आपको कि दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन यही किया था 1956 में, और अब सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में बीजेपी भी बढ़ चुकी है, इसीलिए हर किसी को इंतजार है इसका कि जाना चाहिए। 14 राज्य 91 सीट, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, इसमें यूपी एमपी छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड महाराष्ट्र उड़ीसा सब कुछ है, मोदी इफेक्ट काम करेगा? देखिए प्रसून जी, मेरा ये मानना है कि जो लोग दिल पे चोट खाए हुए हैं, विश्वासघात जिनके साथ हुआ है, जो लोगों ने तय किया है कि हम यूपीए को नहीं दोबारा सत्ता में आने देंगे, उनके सामने जो भी आएगा वो विकल्प होगा। ऐसे में मोदी सामने खड़े हैं तो आप उसे मोदी लहर कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि विकल्प तो बनना है, डेमोक्रेसी में कोई जगह खाली नहीं जाएगी। छत्रप गायब हो जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जब अब विधानसभा चुनावों से ये बात बहुत क्लियर है, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि भोपाल और जयपुर में क्या फर्क था, गहलोत ने भी काम किए थे लेकिन यूपीए के चलते उनको सजा मिली, इतने दिनों में भी अगर एक बीजेपी के अलावा अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोई एक विकल्प नहीं तलाश कर सकी, एक व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकी, तो आज मजबूरन हम भी कहेंगे मोदी लहर है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो मोदी लहर है और निश्चित तौर पर है, मोदी मुद्दा है, मोदी अकेले दौड़ रहे हैं, मोदी अकेले पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लोकतंत्र में जनादेश ही मायने रखता है, तर्क नहीं।